नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको वृंदावन का पार्ट टू वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग जाएंगे वृंदावन का यमुना नदी तट का देवरा बाबा आश्रम में दर्शन करने। मेरा मित्र शिवम ने आपको देवरा बाबा आश्रम का बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला है। राधे श्याम, जैसे कि अब हम यहाँ पे यमुना जी की पहली बार हमारे देवरा बाबा सरकार के पास आ गए हैं, जो कि देवरिया से वृंदावन आके बाबा ने बहुत अपना समय दिया, भक्तों को दर्शन दिए, काफ़ी भक्तों के कष्ट हरे। जितना बोला जाए बाबा की दिव्यता के बारे में उतना ही कम है। यमुना जी के इस पार, पल्ली पार बोलते हैं ब्रज की भाषा में, मतलब यमुना जी के इस पार ब्रज है, वृंदावन है उस पार, और देवरा बाबा सरकार है इस पार। और अभी हम कुपा के पुल से यमुना जी को क्रॉस करते हुए हम रिक्शे में बाबा के दर्शन को जा रहे हैं, बाबा को ढोक देने के लिए। और बाबा की मसाल आप इस साइड देख रहे हो, जो कि बाबा मसाल पे ही रहते थे हमेशा। और बाबा की दिव्य महिमा के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, ना ही बाबा की जन्म के बारे में किसी को पता है, ना बाबा की उम्र के बारे में। अनुमानित लगाया जाता है, कोई कहता है बाबा 500 साल रहे धराधाम पे, कोई कहता है बाबा हजारों साल रहे। लेकिन बाबा की दिव्यता और बाबा की चमत्कार देश में ही नहीं, विदेश में भी बाबा के नाम के जयकारे और बाबा की महिमा का वर्णन रहा है। अभी हम बाबा के धाम में पधार चुके हैं, और जैसे कि हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एंटर रजिस्टर्ड है उसमें हमें अपनी एंट्री करनी पड़ेगी, और फिर इसके बाद हम अंदर प्रवेश करेंगे। देवर बाबा का गौशाला है, अब हम देवरा बाबा के श्रीधाम के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे अभी जो गुरुगद्दी पे देवरा बाबा के बाद जो गुरुगद्दी पे विराजित हैं, वो छोटी सरकार के नाम से गुरुगद्दी पे हैं। और आप ये सब देखते हुए यहाँ बोला जाता है कि मेडिटेशन करने का एकमात्र स्थान है, जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ध्वनियाँ, यहाँ पे पॉल्यूशन और भीड़ भड़क्का कम रहता है, जहाँ पे मेडिटेशन बहुत आराम से होता है। इसके प्रथम राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री हो चाहे राजमंत्री हो, छोटे से बड़ा बाबा के चरणों में आता था ढोक देने के लिए, और बाबा के श्री चरणों का आशीष लेते थे। बाबा एकमात्र संत थे जो अपने चरणों से ही अपने भक्त के सिर पे आशीष देते थे, और बाकी संत तो हाथ ही रखते हैं, लेकिन हमारे देवरा बाबा मात्र एक सरकार थे जो अपने चरणों से अपने भक्तों को आशीष देते थे। एक समय इंदिरा गांधी जो कि हमारी प्रधानमंत्री रही हैं, इंदिरा गांधी जी आई थी, और चुनाव चिन्ह बाबा ने ही उन्हें प्रदान किया था पंजा। अब ये पता नहीं बाबा का क्या था कि बाबा ने उन्हें चुनाव चिन्ह में अपने स्त्री होने की वजह से बाबा ने उन्हें पैर से आशीर्वाद ना देते हुए हाथ से दिया। और जो भी बाबा के उस समय पर भक्त थे या फॉलोअर्स बोलते हैं जिन्हें, उन्होंने बाबा को प्रतीक बताया कि बाबा का ये संकेत है कि आप यहाँ पे अपना चुनाव चिन्ह पंजा रखें। दोस्तों ये है देवरा बाबा आश्रम का नजारा। आपको अगले वीडियो में वृंदावन का और कई अनेक मंदिर का दर्शन करवाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।